भावे समुंदर ले जा, बात जितनी सुनी और समझी बात वो सही है कि सारे जग की माता यही है यही है। जय जय अम्बे मां जगदम्बे मां। सुनेगा बड़ी अच्छी बात है। एक बार दादी कहा मोहन मोहन ले लो नहीं दादी कहा दादी अच्छा नहीं बताकर वाणी पता बताए दादी आई बड़े घर इसके साथ बात भाई सेवा के लिए सिख मेवा मिलेगा तो नचा दे भक्त दो मिनट के बाद अपने ही कथा आई माई के परिवार में कि धरती से अंबर ले जा साथ ही समुंदर ले जा बात जितनी सुनी और समझी बात वो सही है सारी जग की माता यही है यही है सारी जग की माता यही है यही है। जय जय अम्बे मां जगदम्बे मां जय जय अम्बे मां जगदम्बे मां। सुनेगा वो पुजारी हर वक्त माँ की सेवा में लगा रहता था संजोग वर्ष उसी मंदिर में एक सुंदर कन्या माँ के दरबार में आती थी। वो उस पुजारी की नजर उस कन्या पे पड़ी उसका मन आ गया और उसके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि काश ये माँ ये मेरी माँ है मैंने इसे जो भी मांगा है इस माँ ने किया है कि माँ मैं तुझसे एक चीज मांगना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर माँ तेरी कृपा से इस लड़की से मेरी शादी हो गई तो मैं अपना सर काट के तेरी चरण में चढ़ा दूंगा। उस पुजारी ने माँ से ये प्रतिज्ञा कर ली अगर भविष्य में माँ जिस लड़की को मैंने पसंद किया है उस लड़की से मेरी शादी हो गई तो मैं अपना सर काट के तेरी चोट में चढ़ा दूं। सुनने का बड़ी ही प्यारी बात है। इकलंग तारा माँ का पुजारी उसने माँ से अर्ज पुजारी लड़की है माँ मेरे मन को भाई करवा दो मेरी उससे सगाई काट के चढ़ा दूंगा सर प्रतिज्ञा यही है काट के चढ़ा दूंगा सर प्रतिज्ञा यही है सारी जग की माता यही है यही है। जय जय अम्बे जगदम्बे मां जय जय अम्बे मां जगदम्बे मां। लड़की जब आती है पुजारी को देखती है उसका भी मन सुबह आ जाता है समय बीतता चला जाता है और संजोग बस माता की कृपा बरस जाती है और उस पुजारी की शादी
उस लड़के से तय हो जाती है। सुनिएगा ध्यान से, देखो महामाई ऐसी महामाया, लड़की का प्यार उसने लड़की से कराया। और शादी हो जाती है सुबह भोर में, दुल्हन की विदाई होती है। हमारे यहाँ का रीति रिवाज है कि आजकल भी बेटियों की विदाई हो रही है, और जब बेटियों को यानी कि घर से ससुराल भेजा जाता है, पहली बार जाती है, तो घर आने से कोई ना कोई एक छोटा भाई छोटा बहन कोई ना कोई मन बहलाने के लिए किसी ना किसी को भेज दिया जाता है। उस दुल्हन के साथ भी उसका एक भाई अपनी बहन को विदा करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा। सुने का बड़ी अच्छी बात है, आई जब डोली आंखों के बाहर सम्मुख में था माँ का एक मंदिर। आगे आगे पुजारी और पीछे पीछे डोली का हाथ लेकर आगे बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे।